नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज टाइम टुडे में और मैं हूँ आपके साथ पूजा गुप्ता। नीट परीक्षा की चर्चा पूरे देश भर में है। ये परीक्षा देश भर के 571 शहरों में 4,750 केंद्रों पर आयोजित हुई। परीक्षा में 24 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए थे, पर जैसे ही रिजल्ट जारी हुआ नीट के छात्रों और एक्सपर्ट्स ने आपत्ति जताना शुरू कर दिया। इसके बाद मामले ने ऐसा तूल पकड़ा मानो जंगल में आग सी लग गई। चलिए शुरू से समझाते हैं क्या है नीट पेपर का पूरा। इस साल 5 मई को नीट की परीक्षा आयोजित हुई और 4 जून को एनटीए ने रिजल्ट जारी किया। रिजल्ट के साथ एजेंसी ने कट ऑफ और टॉपर्स भी अनाउंस किए। एनटीए ने बताया कि इस साल का जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 720, 164 और टॉपर्स की संख्या 67 है। जहां हर साल एक या अधिकतम दो टॉपर निकलते हैं, वहीं इस साल कुल 67 टॉपर आए और इन सभी को परफेक्ट 720 अंक मिले। चौंकाने वाली बात तो ये है कि बहुत से नीट टॉपर्स एक ही सेंटर से हैं। ये तो कुछ नहीं, परीक्षा से पहले ही कई सेंटर्स पर पेपर लीक होने की खबरें आने लगी। कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि खास सेंटर्स के स्टूडेंट्स को ही ग्रेस मार्क्स दिए गए, जबकि कई सेंटर्स पर पेपर लेट हुए थे। दो स्टूडेंट्स ने जिनकी रैंक भी 68 और 69 आई है, उन्होंने भी 718 और 719 अंक पाए हैं। नीट की मार्किंग स्कीम के हिसाब से ये अंक संभव ही नहीं। मैम, मेरा तो नीट पर से विश्वास उठ चुका है। आज के बाद कल मेरा हाईकोर्ट में लिसनिंग है। मैं पॉजिटिव रिस्पांस एक्सपेक्ट करती हूँ। दोबारा मैं नीट में कभी कदम नहीं रखूंगी और नहीं चाहिए मुझे मेडिकल की सीट और नहीं जाऊंगी मैं मेडिकल एग्जामिनेशन में। जाएं और उनको 720 वाले फेक डॉक्टर्स मुबारक हो जो बाहर निकलेंगे कल को, उन्हीं की किडनी बेचेंगे और उन्हीं के मुंह पे सवाल उठाएंगे। मुबारक हो आपको आपकी ये मेडिकल सोसाइटी जो आपने खुद चुनी अपने लिए। तो आप आगे ये बताइए कि हम इससे ज्यादा और क्या ही टारगेट बना सकते हैं। 648 तो काफी मार्क्स होते हैं ना। पिछले साल जैसे कि आपने देखा था कि 648 पे काफी अच्छी रैंक थी, पर इस साल 648 पे सिलेक्शन भी कंफर्म नहीं हो पा रहा, तो कितनी मेहनत कर सकता है एक बच्चा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। 1563 बच्चे भी थे अगर ग्रेस मार्क्स वाले, तो सीधा 4 गुना रैंक बढ़ गई सबकी। ऐसा कैसे हो सकता है? या तो ये मास पेपर लीक है, मैं साफ बता रहा हूँ ये मास पेपर लीक है, या तो एनटीए झूठ बोल रहा है कि खाली 1563 है। उससे ज्यादा भी नंबर हो सकता है, 20-25 हज़ार तक का नंबर हो सकता है, मैं साफ बता रहा हूँ। अब ये बताते हैं कि ये मामला कोर्ट तक पहुँचा कैसे। कुछ छात्रों ने एनटीए के विरोध में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट व लोअर कोर्ट में याचिकाएं दायर करना शुरू कर दिया था। 11 जून को नीट एग्जाम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई कि नीट यूजी 2024 रिजल्ट को वापस लिया जाए और दोबारा एग्जाम कराया जाए। इस याचिका में कहा गया कि नीट एग्जाम में मनमानी तरीके से ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं और इसी वजह से 67 स्टूडेंट को एक जैसा यानी फुल मार्क्स 720 नंबर आए हैं। साथ ही इस मामले की जाँच के लिए SIT बनाने की भी मांग की गई। इसके अतिरिक्त कुछ छात्रों ने काउंसलिंग पर रोक लगाने और री एग्जाम के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इन सब के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने और री एग्जाम का आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए एनटीए को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है, इसलिए हमें एनटीए को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगना बनता है। कोर्ट ने मामले में ये भी कहा कि 8 जुलाई को भी सुनवाई होगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नीट को लेकर एक और याचिका पर सुनवाई, जिसमें कोर्ट ने कहा ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्रों के लिए नीट एग्जाम दोबारा आयोजित किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि 1563 छात्रों के लिए 23 जून को दोबारा एग्जाम होगा और 30 जून को रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब आपको बताते हैं एनटीए का क्या कुछ कहना है। अब ये मामला एनटीए और छात्रों का मुद्दा नहीं है, क्योंकि इस मामले में पॉलिटिकल पार्टियों ने भी अब छलांग लगा दी। परीक्षा में हुई धांधली को अब पॉलिटिकल रंग भी चढ़ने लगा है और कई पार्टियां इस बहस में टूट गई हैं। चारों तरफ से परीक्षा रद्द करने की, री एग्जाम कराने की मांग उठ रही है। सबसे बड़ा सवाल परीक्षा रद्द कराने का है। पूरे देश में पॉलिटिकल पार्टी धरने प्रदर्शन कर रही हैं, यहां तक रोड तक पर उतर आई हैं, टिप्पणियां कर रही हैं, सरकार से जवाब मांग रही हैं। पर क्या ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति करना सही? एनटीए का कहना है कि कुछ केंद्रों पर पेपर देर से बट पाए थे और टाइम के नुकसान की भरपाई के लिए उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए, जिस वजह से कुछ छात्रों के 718 और 719 अंक आए हैं। पेपर लीक के आरोपों को एनटीए ने पूरी तरह निराधार बताया है। एनटीए का ये भी कहना है कि इस मामले की जांच के लिए 4 सदस्यीय टीम गठित की गई है और ये मामला केवल 1600 स्टूडेंट्स का है, ना कि 24 लाख स्टूडेंट्स का। इस बयान के बाद से एनटीए विवादों में घिर गया। ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।